Hey guys, welcome back to the Dynamite Mail. My name is Sahil Gera. और स्टार्ट करते हैं हमारे विंटर्स की सीरीज के साथ. एंड गाइज, अब बात आती है हमारे आउटफिट्स की. तो लास्ट वीडियो मेरे को पता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी. एंड हमने बात करी थी एक बेसिक क्लोथिंग के बारे में, बेसिक विंटर आउटफिट्स के बारे में, जब ज्यादा ठंड नहीं होती, जब जैकेट्स वगैरह नहीं पहनते. लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेयरिंग की. आपको पता है थोड़ी सी ठंड अब ज्यादा बढ़ चुकी है. एंड अब बात आती है हमारी लेयरिंग करने की. तो हमने इस तरीके से करनी है कि आपका आउटफिट, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा क्लासी लगनी चाहिए. तो आज की वीडियो के अंदर हम टोटल 7 ऐसे आउटफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, अलॉन्ग विद द लेयरिंग, जो आपकी लुक को बहुत ही बढ़िया एक क्लासिक टच देने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ टाइम, जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द आउटफिट नंबर 1. ये बहुत ही सिंपल आउटफिट है, एक समर आउटफिट है. एंड यहाँ पे हमने कंबाइन किया है विद द विंटर जैकेट. अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी टी शर्ट पहन रखी है अलॉन्ग विद द ब्लू डेनिम, विच इज द डार्क वॉश डेनिम. और स्नीकर्स में मैंने यहाँ पे स्केचर्स के डीलाइट एड करे हैं along with the white socks. And आप ध्यान से notice करो, जो इसका sneaker है और जो मेरी watch की which is the NATO strap, इनका color बिल्कुल same है. तो बहुत ही अच्छी look achieve कर सकते हो. And यहाँ पे accessories के अंदर मैंने यहाँ पे एक locket, एक pendant add किया है. And अब बात आती है winter की. तो this was the half sleeve t-shirt, but यहाँ पे winter touch देने के लिए, winter jacket add करने के लिए मैंने यहाँ पे एक grey color की fleece jacket add करी है. And believe me, जो look इससे मिलती है ना भाई साहब, मजा आता है. तो ये वाली जो जैकेट थी स्पेशली आई गॉट फ्रॉम यूनिक्लो. और ये वाली जो जैकेट है वो आज की कलेक्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगी. अगर आप कोई स्टोर जाओगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी. बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है. इसके अंदर ऑलिव ग्रीन कलर भी आता है, वो भी अच्छा लगता है. तो एक सिंपल समर आउटफिट में अगर आप ये फ्रीज जैकेट ऐड कर दो तो आपकी पूरी एक विंटर आउटफिट बन जाती है. कमिंग ऑन दी आउटफिट नंबर 2. अब गाइज, बहुत लोग कहते हैं कि ना डेनिम्स के ऊपर डेनिम्स हम नहीं ऐड कर सकते. तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है. यहाँ पे मैंने एक सिंपल पिंक हुडी पहनी है एंड एक रेगुलर फिट था, बट मैंने स्मॉल साइज चूज किया जो मेरी बॉडी टाइप पे बहुत अमेजिंग लगता है. तो यहाँ पे जब मैंने ब्लू डेनिम ऐड करी तो सेम ही कलर की यहाँ पे मैंने डार्क वॉश डेनिम जैकेट ऐड करी. एंड डेनिम ऑन डेनिम अच्छा लग सकता है. इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से उसको कैरी करते हो. एंड स्नीकर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने व्हाइट स्नीकर्स ऐड करे हैं, जो पूरे आउटफिट को एक अलग टच दे रही है एंड लुक्स अमेजिंग. एंड वॉच की बात करें तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्लासिक वॉच विच इज फ्रॉम द डैनिम वेलिंगटन यहाँ पे मैंने ऐड करी है. तो ये था हमारा आउटफिट नंबर 2. अगेन यहाँ पे हमने व्हाइट हुडी ऐड करी है एंड सिंपल जीन्स जो हमारी ब्लू डेनिम थी, जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये आउटफिट बताया था अलॉन्ग विद दी व्हाइट स्नीकर्स. अब जो इसको हम लेयरिंग का टच दिया है दैट इज विद दी डेनिम जैकेट. तो कलर देखोगे दैट इज इन दी ऑलिव ग्रीन, जो मैंने अभी भी यहाँ पे भी पहन रखा है. एंड इट लुक्स क्वाइट अमेजिंग. मतलब शायद आपको कैमरे पे इतना अच्छे तरीके से ना दिखे, बट रियल लाइफ में कैमरा उसका जस्टिस नहीं कर सकता. बिलीव मी, बहुत अमेजिंग लगती है. ऐसे कलर्स आप जरूर एक बार ट्राई करो. कमिंग ऑन दी आउटफिट नंबर 4. अब लास्ट वीडियो के अंदर जैसे मैंने बात करी थी अबाउट दी पुलओवर्स, किस तरीके से पुलओवर्स जब आपकी हाई नेक होती है ना और आपकी लॉन्ग स्लीव होती है, वो आपकी बॉडी को ना एक मस्कुलर लुक देती है. तो यहाँ पे मैंने व्हाइट पुलओवर ऐड किया है अलॉन्ग विद दी डार्क वॉश डेनिम. एंड थोड़ी सी एक सेमी फॉर्मल टच देने के लिए यहाँ पे मैंने चेल्सिया बूट्स यहाँ पे अपनी लुक के अंदर अचीव करे हैं. एंड ये एक ग्रे कलर के अंदर है एंड इसका लिंक मैं डेफिनेटली मेंशन कर दूंगा. अब जब बात आती है हमारी लेयरिंग की, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक जैकेट ऐड करी है. इसका जो मटेरियल है ये एक लेदर लुक नहीं है, वो एक फ्लफी मटेरियल के अंदर है एंड लुक उससे अचीव होती ही होती है, बट साथ में वो आपको वार्म भी रखता है. एंड आपका ओवरऑल आउटफिट अलॉन्ग विद दी व्हाइट पुलओवर लुक्स डैश. एंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग टच देने के लिए मैंने यहाँ पे नेटो स्ट्रैप वॉच ऐड करी है, विच इज फ्रॉम दी डैनिंग वेलिंगटन. कमिंग ऑन दी आउटफिट नंबर 5. अब गाइज, ये मेरा फेवरेट आउटफिट है. बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि ये क्लासी लगता है एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. आप कभी भी पार्टी वेयर में इसको पहनो, बिलीव मी आपकी लुक बहुत अमेजिंग होने वाली है. तो यहाँ पे एक क्लासी टच के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लैक पुलओवर पहना है विच इज इन दी हाई नेक. अब हाई नेक के अंदर क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से पॉप आउट होती है. तो यहाँ पे सही तरीके से पहनो, इट विल लुक अमेजिंग. यहाँ पे डार्क वॉश डेनिम ऐड करते हुए चेल्सिया बूट भी ऐड करे हैं यहाँ पे. एंड थोड़ा सा क्लासी टच देने के लिए यहाँ पे हमने ग्रे ओवरकोट पहना है. गाइज बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जैकेट, बेस्ट ओवरकोट जो आपकी वार्डरोब में इस टाइम पे हो सकता है. तो ये वाली स्पेसिफिक आइटम आई गॉट फ्रॉम H&M, जो मैंने लास्ट ईयर से मिली थी, इस बार भी मिल रही है. तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, कि मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शायद से मिंत्रा पर ये चीज मिल जाए. अब हमारा जो आउटफिट है उसमें थोड़ा सा क्लासी टच है, तो और क्लास बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल क्लासिक डायल वॉच एड करी है, विच इज द Casio Enticer.
वॉच, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कमिंग ऑन दी आउटफिट नंबर 6। अब गाइज यहाँ पे जो मैंने लेयरिंग करी है, और ये वाली जैकेट वन ऑफ दी फेवरेट जैकेट है जो मैंने अभी रिसेंटली परचेज करी है फ्रॉम H&M, तो आपको रिसेंट कलेक्शन में डेफिनेटली मिल जाएगी। यहाँ पे ब्लैक पुल ओवर मैंने पहन रखा है विद दी हाई नेक, डार्क वॉच डेनिम ऐड करी है, साथ में हमारे व्हाइट स्नीकर्स, एंड पूरी लुक को चेंज करने के लिए यहाँ पे जो जैकेट पहनी है दिस इज इन दी बेज कलर, एंड बेज और ब्लैक का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आप अचीव कर सकते हो। अगर ये पर्टिकुलर आउटफिट आप लेना चाहते हो, यू कैन गो टू H&M, वहां से इजीली ये पूरा का पूरा पेयर आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक्स डाल दूंगा कि ये पेयर आप भी अचीव कर पाओ। अब वॉच की बात करें तो यहाँ पे आप क्लासिक वॉच भी पहन सकते हो और साथ में डिजिटल वॉच भी पहन सकते हो, बट ज्यादा अपील वो क्लासिक वॉच करेगी, तो यहाँ पे मैंने कैसियो की एंटाइसर वॉच पहनी है, लिंक अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन ये वाला आउटफिट हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था, विच इज इन द मरून कलर, ये मरून पुल ओवर विद दी हाई नेक, यहाँ पे डार्क वॉच डेनिम हमने ऐड करी है अलॉन्ग विद दी व्हाइट स्नीकर्स। तो व्हाइट जो है ना पर्टिकुलर इस आउटफिट में, क्योंकि सारे डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लुक अचीव कर सकता है। बट यहाँ पे बात आती है जब लेयरिंग की, तो मेरा जो मरून स्वेटर है, मरून पुल ओवर है, उससे बिल्कुल मैचिंग मैंने यहाँ पे एक डेनिम जैकेट ऐड करी है, विच इज दी डार्क पिंक डेनिम जैकेट। यहाँ पे मरून कलर अलॉन्ग विद दी डार्क पिंक कलर, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है और पूरी लुक काफी ज्यादा क्लासी लगती है। वॉच अगेन यहाँ पे क्लासिक वॉच पहन सकते हो। तो ये थे हमारे आज की वीडियो विद दी टोटल 7 आउटफिट्स विद दी लेयरिंग, विद दी विंटर लेयरिंग। आप डेफिनेटली ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो, अभी भी कलेक्शन आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी, कुछ लिंक्स मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको सच में पसंद आई हो, ये आउटफिट्स काफी अच्छे लगे हो या आप ट्राई करने वाले हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा और कौन सा आउटफिट आप ट्राई करने वाले हो। सच में वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और हमारा चैनल द डायनामाइट मेल को भी सब्सक्राइब करना है एंड बी द पार्ट ऑफ आवर डायनामाइट फैमिली। एंड गाइस जाने से पहले मैं चाहता हूं अगेन हमेशा की तरह वीडियो के एंड में वो सिनेमैटिक सीक्वेंस जरूर देख के जाना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और ये थी हमारी आज की वीडियो, और इंस्टाग्राम पे गाइस मेरे को फॉलो जरूर करना, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता हूँ, वो मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, सो मेक श्योर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, and I'll see you guys in my next video.